आप सभी का स्वागत है हमारे AI स्टडी की YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे थे, हम स्पीडी के 811 जो MCQ है, 812 उसकी सीरीज कर रहे थे, तो उसी के कंटिन्यू करते हुए 250 तक हम नंबर तक देख चुके थे कल। आज हम शुरुआत करते हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है GK रिलेटेड की, वो आपको साथ में प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ मैं। तो ये शुरुआत करते हैं फिर 251 नंबर क्वेश्चन से। अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो पहले भारतीय, मैंने आपको बताया था कि पहले भारतीय पुरुष हो महिला हो, जब ऐसा क्वेश्चन को जाए तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन देखिए आपका है, अरमान मलिक, आर माधवन, विक्की कौशल, वीर दास। तो कौन बने हैं जीतने वाले एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, ये बने हैं वीर दास। बाकी आप सब जानते हो आर माधवन को क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के क्या है, ये अध्यक्ष हैं FTI के। अरमान मलिक सिंगर है भारत के, विक्की कौशल है भारत के अभिनेता है, यानी कि एक्टर ही है, और कैटरीना कैफ के हस्बैंड हैं। आप अच्छा समझ पाएंगे इसके इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका के त्रिंका मौली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है। अमित शाह जी ने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है, शक्तिकांत दास ने किया है, दिनेश खारा ने किया है। तो किसने किया है, ये निर्मला सीतारमण जी ने किया है। कौन है भारत की, भारत की वित्त मंत्री हैं। अमित शाह जी कौन है, भारत के होम मिनिस्टर हैं। शक्तिकांत जी कौन है, भारत के 25वें गवर्नर, याद रखें 25वें गवर्नर ही है। दिनेश खारा कौन है, ये SBI के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि SBI के अध्यक्ष कौन है, गवर्नर कौन है, कौन से नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया है, यूपी में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, गोवा में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ किया गया है, ये गोवा में किया गया है, आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है। भारत ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है, अफ्रीका ने जीता है, किसने जीता है, ये सबको पता होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ था, फाइनल मुकाबला हुआ था, और इसमें ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छे रन मार दिए थे, तो भारत इसमें हार गया था वर्ल्ड कप में। बाकी भारत पहले नंबर पर था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन लास्ट में फाइनल भारत के हार चुका है। इसी प्रकार ICC अंडर 19 पूछेगा कौन जीता है, अंडर 19 भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, अंडर 19 भी हम हार चुके हैं। तो ध्यान रहे आपको, दोनों चाहे पुरुष पूछेगा चाहे अंडर 19 का पूछेगा, दोनों हम हारे हैं, दोनों को जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है दोनों में। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो जो मिला है 2022 वाला, किसे किया गया है, नीति आयोग को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, किसको मिला है। ये ऑप्शन क्या अपना, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को मिला है, दोनों को मिला है। बी और सी अपने दोनों सही आंसर है, तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। देखिए अब क्या बोल रहा है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन देखिए अब, राशिद खान, शाहिन आफरीदी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला, तेज गेंदबाज, तो राशिद खान तो स्पिनर है, ये कट गया ऑप्शन। कुलदीप यादव ने भारत स्पिनर, ये भी ऑप्शन कट गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, शाहिन आफरीदी और जसप्रीत बुमराह। इसमें आपको तुक्का लगाना हो तो इसे नहीं बोलते, KBC 50-50 हो गया आपके लिए। अब तो क्या अपना सही आंसर होगा, शाहीन आफरीदी। कहाँ के गेंदबाज ही है, ये पाकिस्तान के गेंदबाज ही है। जसप्रीत बुमराह सब जानते हैं कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। कुलदीप यादव कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। राशिद खान कहाँ के हैं, ये अफगानिस्तान के बहुत अच्छे स्पिनर हैं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्पिनर चल रहे हैं भारत पूरे वर्ल्ड में इस समय, ध्यान रखिएगा आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये सबको ही पता होगा किसने जीता है, ये जीता है विराट कोहली ने। तो ऑप्शन आपको पता है, ट्रेविस हेड नहीं होगा, ये देखिए ऑप्शन आप देखिए, विराट कोहली, क्योंकि सबसे ज्यादा रन इनने मारे हैं, इनने सेंचुरी भी खूब मारी है और रन भी अच्छे मारे हैं इनने। किसने, विराट कोहली ने कहा है, मैं जब अभी वर्ल्ड कप हुआ था वनडे वाला उसमें। सही ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। गुवाहाटी में किया गया है, जयपुर में, फरीदाबाद में किया गया है, लखनऊ में किया, कहाँ किया गया है, ये किया गया फरीदाबाद में। ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। अरुणिमा सिन्हा बनी है, शीतल महाजन बनी है, कृष्णापुरी बनी है, अदिति अशोक बनी है। तो कौन बनी है, शीतल महाजन बनी है, ये सब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली है, लेकिन अदिति अशोक कौन है, ये गोल्फ की प्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा आप ये भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि अदिति अशोक कौन से खेल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल आप कितने स्टेशनों पर चालू है।
1000 में, 1037 में, 1041 में, 1150 में, कहाँ कितने में चालू है? 1037 में क्या चालू है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है। सही ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? पाकिस्तान में, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को? मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था जब मैं आपको अंडर 19 में इसका पढ़ा रहा था ना, जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, भारत हारा है। पहले वो श्रीलंका में होना था, फिर लेकिन इसको निलंबित करने के चक्कर में फिर कहाँ हुआ आईसीसी का वर्ल्ड कप अंडर 19 वाला? वो साउथ अफ्रीका में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्यों हुआ, कि उसको आईसीसी ने इसको निलंबित कर दिया था, इसलिए इससे इसको हटा के क्या कर दिया गया, अफ्रीका में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, ग्वालियर? किसको किया गया है? तानसेन की नगरी बोलते हैं इनको, ग्वालियर को इसे किया गया है। कहाँ पड़ता है ये एमपी में पड़ता है। सही ऑप्शन क्या अपना? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेलटेल, ये एक रेल की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी है, जैसे रेलटेल हो गई, रेल विकास निगम हो गया, IRCTC हो गया, ये रेलवे से कनेक्टेड कंपनियां हैं, लेकिन ये चलाती इनको रेलवे ही है। तो रेलटेल ने दूर संचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? REC लिमिटेड के साथ किया है, SBI के साथ किया गया है, टेक महिंद्रा से किया है, ये कि इनमें से कोई किससे किया है? ये REC से, रेलवे इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन से किया है। कहा से नहीं, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है इसका। ये भारत की, महारत ने कंपनी बनी है, नई कंपनी बनी भारत की, महारत ने इसमें एड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? सागर शक्ति को, संग्राम को, प्रबल को, अचल को? किसको कर दिया है, किसने किया है? ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो फोर्सेस होती है उसने कर दिया। किसको कर दिया है सेवा मुक्त? संग्राम जो जहाज, उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, उसको कमीशन से हटा दिया गया है, कमीशन नहीं किया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है? चौथी बार, छठवीं बार, सातवीं बार और आठवीं बार? कितनी बार हो गया इनका कंटिन्यू हो गया है? इनका इनका आठवीं बार हो गया है। सही ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन डी। मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 वाला, वो कौन जीता है? अर्जेंटीना ही जीती है। उस कप्तान कौन थे? लियोनल मेसी ही थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2022 वाला फीफा जो हुआ है कहाँ हुआ था? कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? त्रिशूल का किया है, प्रलय का किया है, नाक का किया है, पृथ्वी की? किसका किया है ये भी ध्यान रहे आपको। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है ना? कौन सी है ये? प्रलय नाम की भी है। इसका क्या कहिए, हमने सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गोरख पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? ऑप्शन देखिए आप, क्या शुरू करने जा रहा है? भारत गोरख पर्यटक ट्रेन, नीति आयोग के साथ करेगा, पर्यटन मंत्रालय के साथ करेगा, IRCTC के साथ करेगा, मेक माई ट्रिप के साथ करेगा? किससे करेगा वो शुरुआत करने जा रहा है? IRCTC, ये आप सबने देखा होगा, उसका नाम सुन के रखा होगा IRCTC। तो ये क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इससे अपन टिकट करते हैं, खाना मंगाते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इससे अपन। तो किसके साथ कर रहा है? भारतीय रेलवे के साथ ने सहयोग किया है। काहे के लिए? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने के लिए किया है। सी ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल, असम? किसने दिया है निर्यात प्रोत्साहन नीति को? महाराष्ट्र ने, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है भारत का, बंदरगाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी, ये ध्यान रखना आप, ये क्या बोल रहा है, पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? पटना, इंदौर, वाराणसी और जयपुर? किसने किया है ये? ये इंदौर ने किया है। ये कहाँ पड़ता है? इंदौर, ये MP में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 270 नंबर, 37 में राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने किया है, सर्विसेज ने किया है, MP ने किया है, हरियाणा ने? किसने किया है ये? 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? अपने महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? अब ये
जो होते दिवस होता है ना, ये नहीं पूछता आजकल अब एग्जामों में, अब पूछता है इनकी थीम क्या है, और थीम इनकी हर साल चेंज होती है, इसलिए थीम पूछता है। दिवस सबको याद हो चुके हैं, दिवस उन्होंने पूछना बंद कर दिया था। पिछले आंसर देखते क्या है ये, सेलिब्रेटिंग पैशन सेफ्टी भी अपना सही आंसर होगा। इसी क्या है थीम का है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस की कब मनाते हैं इसको, दुनिया भर में 8 नवंबर को मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग पेशेंस सेफ्टी। आप 3-4 इसको याद कर पढ़ेंगे ना ध्यान से, 3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे आप ना, तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 272 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दो शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, विराट बने हैं, डेविड वॉर्नर बने हैं, सूर्यकुमार यादव बने हैं, ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। उसको मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ क्वेश्चन, ये कौन बने हैं, ये ग्लेन मैक्सवेल। कितने बोल बनाए थे इनने, 40 बोलों शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद इन्हें 2 शतक मार, किसी खिलाफ मारा था इनने, अफगानिस्तान के खिलाफ इनने मारा था ये मैच में, कब मारा था, ये आईसीसी वनडे विश्व कप में मारा था इनने। डेविड वॉर्नर कहाँ खिलाड़ी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, विराट कोहली सब जानते हैं चीकू ही है, यादव सब जानते हैं, ये अपने भारत के स्काई खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है, काहे में लॉन टेनिस में, ग्रिगोर दिमित्रोव ने, कार्लोस अल्काराज ने, नोवाक जोकोविच ने, और एंडी मरे, किसने जीता है ये पेरिस मास्टर। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो टेनिस से रहते हैं, नाम सब जो हैं सब अच्छे बड़े नाम हैं, उसने जीता ही है नोवाक जोकोविच ने, सबसे ज्यादा ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम समझते हैं क्या होता है ना आपको, वही टाइटल जो होता है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। तो कौन है ये, कहाँ खिलाड़ी है ये सर्बिया खिलाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनका देश पता होना चाहिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया से। इन्हें क्या जीता है अभी, पेरिस मास्टर का खिताब जीता है इनने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है, काहे का प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का, महाराष्ट्र सरकार ने, कर्नाटक ने, तेलंगाना ने, तमिलनाडु, किसने किया है ये तमिलनाडु ने किया है। सही ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, टेक महिंद्रा के साथ किया है, टीसी साथ किया है, वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ किया है, नीति आयोग के साथ किया, किसके साथ किया इनने, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ किया है। सही ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिडे महिला ग्रैंड शीर्ष 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है, क्या है ये फिडे का, यानी शतरंज से बिलोंग करता है खेल ये, फिडे महिला ग्रैंड शीर्ष का। ऑप्शन देखिए आप, हल्का दुड़ावल्ली, तानिया सचदेव ने, दिव्या देशमुख ने, आर वैशाली ने, कौन ने जीता है ये, आर वैशाली ने, ये कौन से नंबर की ग्रैंड स्लैम जीती है ये 84 नंबर का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की थर्ड महिला बन गई हैं जो ये ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, पहली महिला कौन थी मैंने आपको बताया था, एस विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी क्या है ये पहली महिला है जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली हैं, और दूसरी महिला कौन है, दूसरी महिला ये है हरिका द्रोणावल्ली, और थर्ड महिला कौन बन गई है, आर वैशाली, क्या जीतने वाली, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली बन गई है। ध्यान रहे आपको 84 नंबर तो है भारत की है ये, लेकिन थर्ड महिला भी बन गई भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश करेगा, 25 वाला जो 25 में होगा ना, कौन सा नंबर का होगा, 24वें नंबर का होगा, कौन करेगा ये, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, चीन, कौन करेगा ये करेगा अपना पड़ोसी राज्य कौन सा देश जो है, बांग्लादेश, इसकी कैपिटल कौन सी है, ढाका, थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है, बैंकॉक, भारत तो सबको पता है खुद दिल्ली, चीनी कौन सी है, बीजिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, राजधानी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति खोज की गई है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का मरुस्थल, और इनमें से कोई नहीं, कौन सी प्रजाति की खोज की गई है गेको की, कहाँ की गई है, पश्चिमी घाट, कौन सा इलाका होता है ये महाराष्ट्र, गुजरात, केरल जो इलाका होता है ना, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट वो होता है पश्चिम बंगाल वाला एरिया जो होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, फ्रांस के साथ किए हैं, यूएस के साथ, इटली के साथ, ऑस्ट्रेलिया, किसके साथ किए गए हैं ये इटली के साथ किए गए हैं, काहे में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, इटली की राजधानी कौन सी है, रोम, फ्रांस की कौन सी राजधानी है ये पेरिस, यूएस की कौन सी है, वॉशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी राजधानी है, कैनबरा, तो कहाँ ऑप्शन अपना है सी, इटली की पीएम कौन है इस समय,
सबको पता होना चाहिए भारत वालों को, मोदी साहब सेल्फी सब देख के हंस रहे थे ना, इसकी पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी इसकी पीएम, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, वो पहली महिला पीएम यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं वनडे विश्व कप में, जसप्रीत बुमराह बन गए हैं, मोहम्मद शमी बन गए, अपना ऑप्शन ही मिल गया, कौन है ये भारत के तेज गेंदबाज है, अभी इन्हें क्या मिला, कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें, इन्हें 2024 में कौन सा अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, खेल क्षेत्र का सबसे दूसरा अवार्ड ही है, पहला अवार्ड कौन सा है, मुझे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, सेकंड कौन सा है, अर्जुन अवार्ड किसे मिला है, मोहम्मद शमी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता यानी लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, विदेश मंत्रालय, एनसीईआरटी, यूपीएससी और शिक्षा मंत्रालय, किसके साथ किया इनने, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, कहा गया है एपीडा ने, पोर्टर, फ्लिपकार्ट, लुलू, अमेजन, अच्छा नाम इसका लुलू, ऑप्शन डी क्या है, अमेजन, तो इसका किया है इनका लुलू हाइपर मार्केट के साथ किया है, कहा है कि नहीं, एपीडा ने, भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी अपना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, विजय कुमार ने, वैभव सिंह ने, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने, सौरभ चौधरी ने, किसने जीता है ये, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने, ये समय भारत के बहुत चर्चित शूटर बने हुए हैं, तो अपना से अपना सही आंसर है, सौरभ चौधरी भी शूटिंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन ईश्वर प्रताप सिंह ने क्या जीता है, येलो मेडल जीता है, गोल्ड जीता है इसमें 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है, अरुण जेटली, वानखेड़े स्टेडियम, बेबरन स्टेडियम, ईडन गार्डन, तो कहाँ किया है ये, अभी जब वनडे विश्व कप चल रहा था ना, भारत का चल रहा, भारत में जो हो रहा था उसी समय कहाँ किया गया था ये, वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था, विश्व कप वनडे विश्व कप उस समय किया गया था ये, ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 285 नंबर, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है, जापान ने दी है, श्रीलंका ने दी है, इसराइल ने दी है, थाईलैंड दी, किसने दी है ये बिना वीजा की यात्रा करने, थाईलैंड ने दी है, इसकी राजधानी कौन सी, मैंने आपको बताया अभी, बैंकॉक, श्रीलंका की कौन सी राजधानी कौन सी है, जयवर्धनेपुरम है, कोट्टेपुरम, उसकी दो राजधानी है, इसराइल कौन सी है, जेरूसलम, जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो, ये आपको साथ बताते चल रहा है, जिससे आपका एक नंबर इसमें भी आपको फिक्स हो जाएगा, कैपिटल और करेंसी वाले क्वेश्चन जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, काहे की ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की, मस्कट करेगा, दुबई करेगा, अबू धाबी करेगा, कुवैत सिटी करेगा, कौन करेगा ये दुबई करेगा, काहे की ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, गरुड़ एरोस्पेस को, पारस को, थ्रोटल को और एरो 360, किसको किया है, DGCA ने, तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना सही आंसर होगा, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स को क्या किया है इसने, ड्रोन को DGCA ने सर्टिफिकेशन दिया है, ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, USA में, भारत में, कहाँ किया गया है ये, ब्रिटेन में किया है, काहे का विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट, इनकी कैपिटल सब आपको बता चुका हूँ पर मैं सबको पता होगा ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, मोइन अली, आदिल रशीद, डेविड विली, जो रूट, ये चारों काहे के खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड खिलाड़ी हैं, मोइन अली स्पिनर हैं, बल्लेबाज हैं, आदिल रशीद भी स्पिनर हैं, जो रूट भी इनके अच्छे बल्लेबाज हैं, और डेविड विली, तो किसने किया है ये, डेविड विली ने क्या किया है, घोषणा करी है कि ये अब संन्यास ले लेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले लेंगे, ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है, ऑक्सफोर्ड से जोड़ा गया है, कॉलिन से, वेबस्टर से, एक इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा वर्ड है ये बेसबॉल, ऑप्शन ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा, कॉलिंस जो डिक्शनरी होती है ना इसमें जोड़ा गया है बेसबॉल शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, इसको आप डबल स्टार लगा दीजिए, किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा ये, आप ये लिख के ले लीजिए, चाहे सी का एग्जाम चाहे रेलवे का एग्जाम हो, तो किसने कितने जीते भारत ने,
99, 105, 111, 121 काहे में, चौथे एशियाई पैरा खेलों में, यानी जो पैरा खिलाड़ी होते हैं ना ये लोग खेलते हैं इसमें, ये चौथे नंबर का था इस बार का। कितने जीते हैं भारत ने, 111 पदक जीते हैं, तो यहाँ पर सबको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है, किसे किया है, राहुल द्रविड़ किया है, जडेजा किया है, युवराज सिंह को किया है, या गौतम गंभीर को किया है। तो सही आंसर क्या होगा अपना, केकेआर ने किया है। ये पहले केकेआर के लिए खेलते भी थे लेकिन बीच में इनका कुछ लफड़ा हो गया था तो केकेआर ने इनको निकाल दिया था। फिर कहाँ चले गए थे ये चले गए थे उसमें सुपर जॉइंट्स में, लखनऊ सुपर जॉइंट्स चले गए थे, उससे उसके ये मेंटर बन गए थे। लेकिन फिर से अभी कहाँ आ गए, अपनी पुरानी टीम में आ गए, केकेआर में आ गए हैं। ये केकेआर टीम किसकी है, ये शाहरुख खान की टीम है केकेआर, ध्यान रखेगा ये भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम हक का निधन हो गया है, वो किस देश के निवासी थे, पाकिस्तान के थे, जापान के थे, भारत के थे कि बांग्लादेश के थे, कहाँ के थे ये सलीमुल हक, कहाँ के थे ये बांग्लादेश के थे। सही अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, किसे हटाया है, पाकिस्तान को हटाया है, मलेशिया को, म्यांमार को, अल्बेनिया को, किसने हटाया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कैसे हटाया, अपने ग्रे लिस्ट से हटाया है। ऑप्शन डी अपना सही आंसर होगा, अल्बेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है, कहाँ किया है, हरियाणा में, गुजरात में, एमपी में, असम में, तो कहाँ किया है, किसने किया पहले ये देखिए आप। वित्त मंत्री हमारे भारत की जो है निर्मला सीतारमण जी हैं, कहाँ किया है इनने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का लॉन्च किया है, गुजरात में, भी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है, किस शूटर ने किया है शूटिंग चैंपियनशिप में, सौरभ चौधरी ने, अंजलि भागवत ने, जीतू राय ने, मनु भाकर ने, किसने किया है ये मनु भाकर जी ने किया है। इसमें बड़ी चर्चाओं में रहती है, इसमें इनने अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए ये चारों शूटर ही हैं। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ओलंपिक कोटा हासिल किसने किया है, मनु भाकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 297 एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी से समझौता किया है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, किससे किया है इनने, आईआईटी कानपुर से। सही ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 298 नंबर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, लखनऊ में किया गया है, जयपुर में। पहले देखिए चाहे का बोल रही है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में पूछ रही है कहाँ किया गया है ये भारत की राजधानी में नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है या किस राज्य से संबंधित है, ये जीके क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि जमरानी बांध कौन से राज्य में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, देखिए आप ऑप्शन देखिए, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, कहाँ पड़ता है ये जमरानी बांध, उत्तराखंड में पड़ता है ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जीके के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है, काहे का पीएम श्री स्कूल का आयोजन किया है, शुभारंभ किया है, हरियाणा में किया है, यूपी में किया है, असम में किया है, पंजाब में, तो कहाँ किया इनने, हरियाणा में किया है। इसी बहाने आपको एक क्वेश्चन और मालूम चल गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के, धर्मेंद्र प्रधान। पहले किस नाम से जानते थे इन लोग को, शिक्षा मंत्री को जानते थे अपन, एचआरडी मिनिस्टर के नाम से जानते थे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको वही प्रोवाइड करी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपको लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। धन्यवाद।